सो अब स्टार्टिंग में जो सीन था ना वो इसी गेम प्ले का सीन है, और भाई लिटरली चारों के चारों बंदे मेरे ऊपर ऐसे पुश कर रहे थे ना, लिटरली गाइस मेरी जो एचपी थी आपने शुरू में देखी भाई 10 HP बची थी, और भाई फिलहाल के लिए आ चुके हैं मिलिट्री बेस में बहुत दिन के बाद, और यहाँ पे 5 स्क्वाड आ रही है, तो देखो तबाही बहुत देखने को मिलेगी, और उतरने के बाद हम लोग को गन लूटना पड़ेगा, नहीं तो मुक्के से थोड़ी पहलेंगे, नहीं तो AKM वाला पहल के चला जाएगा। लो इनको स्कारल भी मिल गई भाई, पीछे देखो फायर कर रहा है, स्कारल में स्कारल सब मिल गए इन लोगों को, और हम लोग को यहाँ पे BSS दिए पबजी वालों ने, बताओ। इधर पे भाई इतनी सस्ती गन मिली है, एक सस्ता बैग मिला, और पीछे की तरफ भाई तबाही चलने लगी है, मतलब बंदों को M4 AKM बैरल सब कुछ मिल गया, और इधर पे भाई BSS दिए पबजी वालों ने, यार मतलब इतनी नाइंसाफी क्यों मेरे साथ ही क्यों। और भाई फाइनली मुझे यहाँ पे म्यूटेंट मिल जाती है, अब क्या बोलते हैं इसको, मैं तो म्यूटेंट ही बोलता हूँ, और नीचे की तरफ कुछ बंदे आ रहे थे जो कि दूसरी वाली बिल्डिंग से आके मेरी वाली बिल्डिंग में रश कर रहे थे, और इन बंदों को भाई IQ देखना, मतलब देखते जाओ। मतलब कि जिस बंदे के पास गन नहीं है उसको पहले भेज दिया, और पीछे जिसके पास गन है उसको बाद में भेज दिया, वाह मतलब वाह मोदी जी वाह, क्या चूतिया बना रहे थे मुझे वो भी। और ये भी इन्हीं का टीममेट रहता है जो कि सस्ते नशे करके वहाँ पे बोट को मारने में बिजी हो गया था, तो उसको पेल देते हम लोग और उसको पूरा फिनिश करते फिर रश करते बंदों पे। तो गाइस इसको मारने के बाद मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे, और ये वाली जगह पे आने के बाद भाई देखो एक बंदा नीचे एक बंदा ऊपर, तो इस बंदे को नॉक करके पूरा फिनिश कर दूंगा, और इसका जो टीममेट रहता है वो अपने टीममेट के पास चला जाता है, उसकी इतनी तेज फटती है कि अपने टीममेट के पास भग जाता है, बस देखते जाओ। ये बंदा मेरे से बदला लेने भी नहीं आया इसके टीममेट का, और मुझे कमेंट करके बताओ भाई ये ऑफलाइन बंदे के पास क्या करने गया था, मतलब क्या शक्ति मक्ति लेने गया था क्या, ऑफलाइन बंदों के से शक्ति मक्ति मिलती है क्या। तो खैर यार उनको मारने के बाद लूटने के बाद मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे, और ये वाली जगह पे भी जो है पूरी की पूरी टीम रहती है, बस देखते जाओ। और भाई साहब आज इस वाले गेम में मतलब 10-10 HP क्यों बच रही थी, मतलब उससे आधी भी तो हो सकती है HP या पूरी खत्म हो सकती है, नहीं भाई इनकी जो है फाड़नी है, मतलब हमारी फाड़नी है ठीक है, 10 HP बचा के फाड़ देनी, मतलब हार्ट अटैक ही आ जाए बंदे को। तो यहाँ पे इस टीम के 3 बंदे जो है मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया, लेकिन इनको नहीं करूंगा फिनिश क्योंकि इनका लास्ट बंदा जो है आ रहा है, तो देखो बस उसको भी कैसे भरते हैं, बस देखते जाओ। और वो शायद देखो भाई क्या होने वाला, इधर ये फिनिश हुआ लेकिन ये क्यों नहीं हुए, मैंने गनमैन पीछे हटा ली थी, मैंने सोचा मस्त भाई इन्हीं के टीममेट होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था वो अलग स्क्वाड का बंदा है, लेकिन ये इधर क्यों आया। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद एक बंदे का मुझे फुटस्टेप आता है, तो यहाँ पे अब इनके अलावा कोई नहीं रहता है, अब मुझे नहीं पता, मुझे कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अपन के 12 किल हो गए, अरे 13 किल हो गए, बोर्ड दादा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मस्त किल देकर चले गए, अब यहाँ पे 13 किल हो गए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ गाड़ी लेने, लेकिन इतने में मुझे ये दिखता है, तो अब इस बंदे को जो है मैंने 10 HP कर दिया, तो सीधा जो है मैं इस पर रश कर देता हूँ, और ये बंदा जो रहता है ये वाले घर में बैठा रहता है, और भाई इसको लूटते हैं और फिर निकलते हैं गाड़ी लेके इसी की। अब भाई ये जो ब्रिज कैंप वाले बंदे रहते हैं ना भाई, ये लोग इतना देर से ये लोग यहाँ पे बैठे थे ना, कम से कम 10 से 20 मिनट तक मुझे लग रहा है, हाँ 10 मिनट तो हो गए होंगे, अब इतना झूठ बोल रहा हूँ मैं, 10 मिनट तो हो गए होंगे बैठे बैठे, तो ये लोग अब जाने लगते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन इनको क्या पता था भाई पीछे से तो मैं आ ही रहा हूँ, और भाई बेचारे बंदों के साथ स्कैम हो जाता है यार, जैसे ये लोग आगे गए उतने में पीछे से मैं आ गया। तो अब यहाँ पे मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया था, तो इसको अब जो है फिनिश करने की बारी आ गई थी, लेकिन इसको पहले छोड़ देता हूँ मैं ऐसे ही, ताकि इसके जितने भी यहाँ पे बंदे हों वो आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और भाई देखो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, गाड़ी गुड़ी क्या कर क्या रही हैं ये लोग, देखो मतलब कि भाई गाड़ी में बैठ गया हूँ और भाई निकल नहीं रही है गाड़ी, अब मैं क्या ही बताऊँ इस गेम के बारे में भाई, आप लोग को पता है ये पबजी नहीं है बगजी है, लेकिन इतने में भाई सामने वाले घर में मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, और ये इसी बंदे का टीममेट होता है जो कि भाई आया नहीं बचाने इसको, मतलब भाई इसको इतनी गाली पड़ रही होगी ना इसके बंदे से, मतलब उसका बंदा नोक पड़ा था लेकिन ये बंदा जो है फिर भी रिवाइव देने नहीं आया। तो भाई पोचिंग की घूमने के बाद मैं देखता हूँ कि जोन जो है फिर से ब्रिज पे बन रहा है, तो फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद भाई ये पूरी की पूरी टीम से जो है मेरी फाइट हो जाती है, और अब बस ये वाली फाइट को एंजॉय करो, और भाई मजा आने वाला है, लाइक कर देना पहले ही।
और यहाँ पे गाइस 10-10 HP हम दोनों ही बचते हैं, वो बंदा भी 10 HP बचता है, वो भी हीलिंग कर रहा था, मैं भी हीलिंग कर रहा था, और मैं जो है सीधा जाके उस पर हीलिंग करके जो है रश कर देता हूँ। अब देखना ये होगा कि मैं बचता हूँ या वो बचता है। तो यहाँ पे मैं सीधा जो है उस पर रश नहीं कर रहा था, उसको जो है कंफ्यूज कर रहा था ताकि वो बाहर निकले यहाँ से। और भाई ऐसा होता है, वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, उसके टीममेट जो है इसको इतना बोल रहे होगे ना भाई, तब जाके इसने ज़बरदस्ती रश किया, इसके मन से नहीं किया था इसने रश। अगर ये अपने मन से रस करता ना तो ये मेरे पास आता, ये सीधा वहाँ ऊपर की तरफ नहीं भगता, ठीक है। तो बस यार इनको भी आराम से जो है मार देते हैं। तो उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ पोचिंकी में, और ये भाई वही सीन होने वाला है जो कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो बस ये वाली फाइट भी इंजॉय करो, और भाई बहुत तगड़ा क्लच है, देखते जाओ। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने लेवल 1 की वेस्ट में भाई 1v4 किया है भाई, वो भी इतने तगड़े बंदे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आपको एक चीज बताता हूँ कि आप लोग बोलते हो कि भाई तुझे बंदे क्यों इतनी जल्दी मतलब कहाँ कैसे मिल जाते। तो देखो गाइस मैं यहाँ पे जो है रेड जोन का जो है इस्तेमाल करता हूँ बंदे ढूंढने में, जहाँ भी रेड जोन बनता है ना वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। और हर कहीं नहीं चला जाऊँगा, ऐसे कि मतलब अपना प्लेन पास जा रहा है जोर जोर से तो तुम जाओ भाई, मतलब तुम चले जाओ घटका मटका, ठीक है, ऐसी जगह पे नहीं जाना है आप लोग को, ठीक है। तो गाइस उसके बाद मैं आ जाता हूँ ये वाले ड्रॉप पे, और ये वाले ड्रॉप पे आने के बाद मैं आया था मतलब कि वेस्ट लेने, लेकिन भाई वेस्ट नहीं मिलती है, और यहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ा वाला स्कैम हो जाता है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक स्क्वाड हाउस दिखता है, तो मैं स्क्वाड हाउस पे जाने लगता हूँ, और भाई स्क्वाड हाउस पे जाने के बाद मुझे बंदे तो नहीं दिखते, लेकिन हाँ स्क्वाड हाउस पे जैसे ही जाता हूँ तो मुझे गन साउंड का जो है एक फायर आता है एमके का, तो मैं समझ जाता हूँ भाई बंदे जो है आगे की तरफ है। तो अब यहाँ पे सामने की तरफ जो है बंदे थे, अब देखो भाई यहाँ पे एक जो बंदा रहता है ना, अच्छा तो बंदा रहता है लेकिन भाई उसके साथ एक स्कैम हो जाता है, अपना नेट अपने आप में ही फोड़ लेता है, बस देखते जाओ। और इसी का फायदा उठा के अपन जो है इस टीम पे रस कर देते हैं, और भाई देखो अब इनको कैसे मारते हैं। बस तो भाई यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पे रुकने के बाद बस मस्त TPP ले रहा था, मैं देख रहा था भाई मतलब कहीं से साउंड आ जाए, कोई तो बंदा दिख जाए, लेकिन मैं समझ जाता हूँ यहाँ पे मेरा भाई कटने वाला है, अगर यहाँ से नहीं निकला मैं तो भाई नेट मेरे ऊपर फोड़ देगा, क्योंकि पिन की आवाज़ आई थी खींचने की। और भाई बिल्कुल सही बोल रहा था, मैंने मतलब वहाँ से नहीं निकलता ना तो वहाँ पे मैं फटता, लेकिन भाई ये बंदा जो है इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि अपना नेट जो है अपने आप में ही फोड़ लिया। तो बस सीधा रश करते बंदों पर। तो अब ये जा रहा था अपने टीममेट को रेव देने, लेकिन भाई इसको मैं पीछे से धर देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे दो ही बंदे थे, क्योंकि एक बंदा जो है अपने हाथ से नेट से फूट गया और एक बंदा ये जो है रेव देने जा रहा था। तो अब जहाँ पे मैं आ जाता हूँ गाइस ड्रॉप पे, और यहाँ पे ड्रॉप पे आने के बाद मेरे को चाहिए थी भाई लेवल 3 की वेस्ट, ठीक है, और जैसा कि मेरे को मिलती भी है यहाँ पे, और भाई जोन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट मिल जाती है, और AWM भी पड़ी थी, लेकिन AWM लेता नहीं हूँ कि भाई लास्ट के दो ही बंदे बचे थे। लेकिन यहाँ से मैं जाने लगता हूँ, इतने में भाई मुझे गाड़ी का साउंड आता है, तो मैं समझ जाता हूँ ये बाकी जो बंदे हैं यहीं पर हैं। तो यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, भाई हेड भी लगते हैं 2-3, लेकिन 6x के कारण जो है बच जाते हैं बंदे। और भाई साहब ये वाला लास्ट का क्लच पसंद आया तो भाई इसके लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो यार। तो बस यार गाइस आज की वीडियो इतनी, गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का वीडियो देखने के लिए। तो यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब करते नहीं हो आप लोग।